इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों के साथ अहम मौजू पर भी एक नज़र। हमारा माशरा दिन ब दिन कितना गाफिल होता जा रहा है, इसकी मिसाल ही कह सकते हैं। घर की औरतें हों या मर्द, इन्हें घर और अतराफ में अजनबी नजर भी आए तो कभी जरूरी नहीं समझा जाता है कि इससे सवाल पूछे या इससे दरियाफत करे। अक्सर हमें क्या, हमारा इससे क्या ताल्लुक, या फिर मुझे क्या करना है जैसे सवाल अपने आप से पूछकर ही हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। उज्जवल नगर 10वें क्रॉस में इसी तरह का मामला पेश आया। मामला उतना बड़ा नहीं है, मामला भले छोटा ही हो, लेकिन जिस खतरे को महसूस किया जा सकता है उसी पर ही आज का मौजू है। पर इसका जिक्र इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि हादसे जब बड़े पैमाने पर पेश आते हैं तो उस वक्त सोचने के लिए भी आपके पास वक्त नहीं रहता। आप सीसीटीवी के इस फुटेज में देख सकते हैं कि घरों के सामने भीख मांगने वाली खातून छोटे बच्चे के साथ नजर आती है। हम ये भी नहीं कहते कि सभी इसी तरह के होते हैं, क्योंकि अगर इसी तरह के होते हैं तो हम सभी इसी नज़रिए से देखते हैं। पर जब हादसा होता है तो इसका तذکرہ भी ज़रूरी होता है। छोटा बच्चा अंदर दाखिल होता है और वह खातून बच्चे का इंतज़ार करते बाहर खड़ी है। और भी कुछ भीख मांगने वाली औरतें नज़र आती है। जिस घर में छोटा बच्चा दाखिल होता है, घर में जाकर वैलेट यानी पैकेट जो मेज पर रखी हुई है इसे चोरी करता है। इस पैकेट में 5000 रुपये थे, रकम छोटी है पर इसे हम मामूली ना समझे। इसलिए भी कहना जरूरी है कि कोई और बड़ा हादसा होने से कम हम चौंकना तो रहे। यह वाकया आज हुआ है पर मुझे कुछ और कहना है। कई बड़े हादसे कत्ल डकैती इसी तरह अंजाम दिए जाते हैं और इसी तरह से आवाम को गाफिल देखा जाता है। इतने बड़े मोहल्ले में हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है। मोहल्ले में कई मस्जिदें हैं पर ना तो इमाम से किसी का राबता है और ना ही जमात वालों को कोई मोहल्ले वाले ज्यादा पहचानते। कहने का मतलब हम कितने बिखरे पड़े हुए। मस्जिदें दरअसल मुसलमानों का मरकज हुआ करती थी। आज नमाजों के बाद मस्जिदों को ताले लगाए जाते हैं। कभी वो दौर भी याद आता है जब मोहल्ले से कोई बुजुर्ग घर से निकलता तो हर घर से उस बुजुर्ग के लिए सलाम पेश किया जाता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर कोई पोस्टमैन लेटर या कोई जरूरी दस्तावेज लेकर आता है तो किसी को नहीं पहचानता, किसी को मालूम ही नहीं कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है। हमारे नबी ने तो ऐसा माशरा नहीं बनाया था, तो फिर हमने तहजीब कहाँ से लाई। कहने का मतलब जब हर रोज हजारों साजिशें तुम्हारे खिलाफ हो रही हैं तो तुम्हारे मोहल्ले में नजर आने वाला कोई अजनबी कहीं किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। और भीख मांगने वाले लाउड स्पीकर लगाकर व्हील चेयर पर आने वालों को तुम सदका खैरात करते हो जिसको तुम जानते तक नहीं। अब तो कई बहरुपये भेस बदल कर आते हैं, अल्लाह का नाम लेकर तो मांगते हैं पर भेस में मुजरिम भी हो सकता है। कैसे बेहिस कौम हो चुकी है ये। इतना सब कुछ हमारे अतराफ में हो रहा है पर हमारे कान पर जूं तक रेंगने के लिए नहीं आ रही। आखिर हम होश के नाखून कब लेंगे। और मान लो अगर वो मुजरिम ना भी है तो तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम सदका खैरात किसी ऐसे शख्स को दो, ऐसे अजनबी को दो जो इन्हीं पैसों से नशा करता हो। सदका खैरात अपने पहचान वालों जरूरतमंदों को दो, अपने घर में बर्तन मांजने वाली उस मेहनत कश औरत को दो, उस खातून को दो जो किसी के पास हाथ फैलाने के बजाय तुम्हारे घरों के बर्तन मांज कर अपना गुजारा इज्जत के साथ करती हो। आजकल तो झूठ फरेब का बाजार लगा हुआ है। हर कोई किसी न किसी बहाने धोखा देकर कुछ पैसे ऐंठना चाहता है। खासकर मोहल्ले की जमातों की जिम्मेदारियां हैं। ऐसे भीख मांगने वाले आते हैं तो इन पर हमारी नजरें होनी चाहिए। अब तो वो वक्त नहीं रहा कि गफलत में जिंदगी गुजारे, कभी स्क्रैप होल की शक्ल में तो कभी भीख मांगो के लिबास में, तो कभी फकीर बनकर तो कभी कुछ बेचने की बहाने मुजरिम अपने शिकार की तलाश करता रहता है। वो तलाश की फिराक में रहता है। बेलगाम शहर और अतराफ में आए दिन चोरी डकैती हो रही है, दिन दहाड़े लूटमार की जा रही है। लिहाजा होशियार चौकन्ना होना होगा। हादसा होने के बाद तुम्हारा जागना कोई मायने नहीं रखता। लिहाजा हमारी नजरें अतराफ में होनी चाहिए। अगर कोई अजनबी मोहल्ले में नजर आए तो सवाल पूछे। सभी को इसी नजर से भी देखने की जरूरत नहीं है। हो सकता कोई गलती से रास्ता भटक कर आया हो पर सवाल पूछना जरूरी है। मुसाफिर को सही रास्ता दिखाना भी नेकी है। लिहाजा मोहल्ले की जमातों की जिम्मेदारों को जरूरी है कि मोहल्ले का शख्स कौन और बाहर से कौन आया है एक दूसरे से राबता रखो। अड़ोस पड़ोस के हुकूक पूरा करने की कोशिश करो। अड़ोस पड़ोस के दुख दर्द को बांटने की कोशिश करो। हमने देखा है बचपन में कि गली मोहल्ले में कितनी मोहब्बत हुआ करती थी पर अब सब कुछ बदल गया है। कुछ रुपयों ने मोहब्बत खुलूस प्यार भाईचारे की जगह कपट कीना जलन ने ली है। अक्सर एक दूसरे के घरों में जाकर
पड़ोसी के दुख दर्द बांट लिया करते थे, पर शायद ही कोई होगा जो अपने पड़ोसियों से आज अच्छे ताल्लुक रखता होगा। अब कहां से किसे फुर्सत होगी? औरतों के लिए तो खाली वक्त में बजाय कुरान पढ़ने से टीवी सीरियल और मोबाइल से फुर्सत नहीं रहती। घरों के बड़ों का तो एक अलग ही मामला होता है कि वो बाहर अपने रोज रोटी के चक्कर में सुबह से शाम तक घूमता फिरता रहता है। लिहाजा ये माशरा पूरी तरह से बिखरा हुआ है। खैर, आज का मौजू यही था कि मोहल्ले में एक दूसरे से राब्ता रखे, अजनबियों पर नजर रखे, क्योंकि हो सकता है कि चोर का अगला निशाना तुम्हारा घर भी हो सकता है। कोरोना के मामले बढ़ने का ऐलान तो किया जा रहा है। बेलगाम में 20 पॉजिटिव मामलों की इत्तला हासिल हुई। वही रियासती हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। मरकजी और रियासती हुकूमत वैक्सीनेशन पर बढ़ती अफवाहों से काफी परेशान नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर वैक्सीनेशन ना लगवाने की खबरें फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन से खून की गांठियां हो रही है, जिससे इंसान की मौत हो सकती है। कईयों ने तो कोरोना को ही सरे से नकार दिया। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर मरकजी हुकूमत ने किसान एहतजाज को बंद करने की मांग की, तो किसान कायदों ने इसे इनकार करते हुए कहा कि किसानों को कोरोना नहीं होता, कोरोना मरीजों को बढ़ाना या घटाना हुकूमत अपनी मर्जी से करती है। ऐसा भी इल्जाम मोदी हुकूमत पर लगाया जा रहा है। विपक्ष की पार्टियों ने बढ़ती महंगाई पर सवाल करो तो कोरोना वैक्सीन की बात हुकूमत की जानिब से की जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। लिहाजा मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने किसी तरह के अफवाह पर ध्यान न देने की बात कही और सभी को बढ़ चढ़कर कोरोना टीका लगवाने पर जोर दिया है। हर एक को वैक्सीन लेनी होगी, ऐसा वजीर आजम मोदी ने भी अवाम से विनती की, अफवाह पर ध्यान न देने की बात कही। आखिर अवाम क्या सोचती है, अवाम के दिल में आखिर है क्या, ये जानने की भी कोशिश हमने की। कईयों को सवाल पूछा तो अक्सर लोगों ने कैमरे पर आने से मना तो किया पर वैक्सीन पर शक का इजहार भी किया। कुछ लोगों का कहना है कि रियासत या मरकज में भाजपा हुकूमत है, लिहाजा सभी भाजपा के कारकुनान या आरएसएस के कारकुनों को सबसे पहले वैक्सीन लगवानी होगी, क्योंकि यही असल देशभक्त है। क्योंकि देश को मजबूत करना है तो भाजपा वालों और आरएसएस वालों को मजबूत करना होगा। लिहाजा सबसे पहले आरएसएस भाजपा के तमाम कारकुनों, तमाम रियासती वजीर, मरकजी वजीर, पुलिस, फौज, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सरकारी अफसरों को जबरन बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया जाए। महज आवाम पर या निचले गरीब मुलाजमीन का ही टीकाकरण ना हो, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। खैर, जो भी हो, बढ़ते मरीजों की तादाद देखते हुए रात के कर्फ्यू की बात एक बार और कही जा रही है। ये भी बात आवाम समझने से कासिर है कि आखिर कोरोना और रात का क्या ताल्लुक है। ऐसे कई सवाल है जिसका यकीनन जवाब नहीं दिया जा सकता। पर अब जल्द बेलगाम लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। 17 तारीख को चुनाव होंगे, इससे पहले 15 तारीख को रमजान का मुबारक महीना शुरू होगा। बाजारों में चहल पहल बढ़ती है। कहते हैं खड़े बाजार, भेंडी बाजार, किलोस्कर रोड, मारुति गली, फोर्ट रोड या दिगर इलाकों में रमजान महीनों में करोड़ों की उलाढ़ाल होती है। कई सारे छोटे ताजीर रमजान के इंतजार में रहते हैं ताकि कुछ अपनी माशी हालत को बेहतर बनाए। पर अगर किसी तरह बढ़ते मरीजों को बहाना बनाकर बाजारों को बंद किया जाएगा तो एक बार फिर गरीब छोटे ताजिरों पर भुखमरी की नौबत आ सकती है। वही दूसरी ओर चुनाव भी है। चुनाव में इतना इत्मीनान जरूर होता है कि चुनावी इजलासों में कोरोना भाग जाता है। तो यही एक उम्मीद इन ताजिरों को है कि चुनाव में किसी तरह का बंद करना सियासी लीडरों को मुमकिन नहीं है। वैसे भी सुबह शाम कोरोना मरीजों की बात करने वाले वजीर आजम और वजीर दाखला बंगाल चुनाव में हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। जाहिर है भाजपा बेलगाम या कर्नाटक में कहीं पर भी चुनाव होते किसी तरह के लॉकडाउन के बारे में सोच नहीं सकती। कहने का मतलब बेलगाम में शायद रमजान की रौनक इस बार फिर दिखाई दे सकती है। खैर, बढ़ते मरीजों पर आवाम भी काफी लापरवाही दिखाई दे रही है, भी उतना ही सच्चा है। बेलगाम लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस की जानिब से उम्मीदवारों के नामों को लेकर आज भी चर्चा जारी रही। भाजपा और कांग्रेस के दरमियान कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है, पर अभी तक किसी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान ना तो कांग्रेस की जानिब से किया गया और ना ही भाजपा की जानिब से। वैसे कांग्रेस की जानिब से सतीश जारकीहोली का नाम सर फहरिस्त कहा जा रहा है, पर अभी तक ऐलान नहीं किया गया, जिससे और भी किसी का नाम है क्या, ऐसा सवाल भी किया जा रहा। कुछ लोगों ने लक्ष्मी हेबाड़कर के नाम का भी ऐलान किया जा सकता है, ऐसा कहा था। पर भाजपा के जानिब से तवील फहरिस्त है, कभी अंगड़ी की बेटी का नाम तो कभी डॉक्टर रवि पाटिल तो कभी महंतेश कवट की मठ का नाम भी लिया जा रहा है। रियासत में बेलगाम लोकसभा चुनाव की ही चर्चा ज्यादा होती दिखाई दे रही है। वैसे भी रमेश जारकीहोली सीडी मामले के बाद क्या इसका असर भाजपा की साख पर हो सकता है, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। बेंगलोर में कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों के नामों की मीटिंग का
एहतमाम जारी है। बेलगाम बेंगलोर दौरे भी बढ़ चुके हैं। बरोज शनिचर बेलगाम हवाई अड्डे पर रियासती वजीर आर अशोक ने नामों के बारे में तफसीलात बयान करते हुए कहा कि चार नामों की फहरिस्त पर सोचो फिक्र जारी है, जल्द ऐलान किया जाएगा। ऐसा भी उन्होंने कहा 17 तारीख को जमीनी इंतखाबात होने, जितना तजस्सुस चुनाव कौन जीतेगा का है उतना ही उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बारे में भी अवाम में देखा जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह। We'll be right back.